गुड मॉर्निंग यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में ट्वेल्थ क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और हमारा राजनीति विज्ञान के अंदर पहले ही भाग पहला चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमारे पहली यूनिट के अंदर पहला और दूसरा लेसन संपन्न हो चुका था। आज हम तीसरा लेसन का प्रारंभ करेंगे। तीसरा लेसन जो हमारा है प्रथम यूनिट के अंदर वो है धर्म, कि धर्म क्या है, धर्म का क्या अर्थ है, भारत के अंदर धर्म की क्या उदाहरण है, इन सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो धर्म है विश्व के अधिकांश देशों ने धर्म को, धर्म निरपेक्षता को अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक नीति के रूप में स्वीकार किया है। धर्म को किस रूप में स्वीकार किया, धर्म निरपेक्षता के रूप में। विश्व के अधिकांश देशों में क्या हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ पे किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है। आध्यात्मिकता की शुरुआत के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो देखिए, आध्यात्मिकता की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ धार्मिकता। आध्यात्मिकता की शुरुआत कहाँ से होती है, अध्यात्म, आत्मा से। आध्यात्मिकता की जब शुरुआत वहाँ होती है जहाँ से धर्म का विनाश हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है, वहाँ से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। तो आध्यात्मिकता की शुरुआत वहां होती है जहां पे धार्मिकता समाप्त हो जाती है। इसी के अनुसार देखो, विश्व के अधिकांश देशों ने धर्म निरपेक्षता को, धर्म निरपेक्षता, विश्व के अधिकांश देशों ने धर्म निरपेक्षता को अपनी को अपनी राजनीतिक व्यवस्था में एक नीति के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता, स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता और धर्म में, आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर करते हुए, आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर करते हुए कहा है, क्या कहा है भाई, कहा है कि धर्म, क्या कहा है, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त, पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। का विस्तार मात्र है। ये बात किसने कही भाई,
स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बात कही है कि देखिए कि धर्म आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर करते हुए क्या है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त है, देवत्व है, और यदि हम आध्यात्मिकता का विस्तार करना चाहते हैं तो किसका विस्तार हो रहा है? धर्म का विस्तार हो रहा है। ये बात किसने कही? स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। सभी धर्म गुरुओं, साथ ही साथ में देखो जितने भी दो धर्म गुरु हैं, उन्होंने, विद्वानों ने अपने अपने विचारों के आधार पर धर्म और अध्यात्म के अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। जैसे कौन कौन से विद्वानों ने, जैसे विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न विद्वानों जैसे जैसे कौन कौन से विद्वान भाई? कंफ्यूशियस, जैसे कंफ्यूशियस है, पाइथागोरस है, इसके अलावा गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, ईसा मसीह है, गुरु नानक, आदि ने अपने अपने अनुसार धर्म व आध्यात्मिकता की परिभाषा दी है। तो यहाँ पे ये बात लिखनी इसलिए थी कि भाई कौन कौन से विद्वानों ने धर्म की और आध्यात्मिकता की परिभाषा दी है। कंफ्यूशियस, पाइथागोरस, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह है, महावीर स्वामी है, गुरु नानक है, मोहम्मद पैगंबर है, इन सब ने अपने अपने अनुसार धर्म की परिभाषा और आध्यात्मिकता की परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की है और मनुष्य के अंदर एक दिव्यता का, देवताओं का जो संदेश दिया है। इसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति ने भी आध्यात्मिकता को धर्म का केंद्र माना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है, आध्यात्मिकता को धर्म का केंद्र माना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आध्यात्मिकता को धर्म का केंद्र बिंदु माना है। क्या माना है? केंद्र बिंदु माना है या केंद्र माना है। किसको? आध्यात्मिकता को किसका केंद्र बिंदु माना है? धर्म का केंद्र माना है। किसने ये बात स्वीकार की है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार धर्म का सार इस बात में है कि आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक पक्ष पर बल दें और जीवन को धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रसित करें। यह किसकी है परिभाषा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार देखो इन्होंने धर्म की क्या परिभाषा दी है। के अनुसार धर्म का सार इस बात में है कि धर्म का सार इस बात में
है कि कौन सी बात में? धर्म का सार इस बात में है कि ये सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कह रहे हैं कि धर्म का सार इस बात में है कि आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल दें, आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल दें। किसके ऊपर? आध्यात्मिक। धर्म का सार इस बात में कि आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल दें और जीवन को धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रसित करें, और जीवन को धर्म निरपेक्षता की ओर, धर्म निरपेक्षता की ओर क्या करें? अग्रेषित करें, धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रेषित करें। ये बात किसने कही भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने। तो इस प्रकार से एक तरह से धर्म की अवधारणा की क्या है? ये पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखिए दोबारा एक बार, विश्व के अधिकांश देशों ने धर्म निरपेक्षता को अपनी राजनीतिक व्यवस्था में एक नीति के रूप में स्वीकार किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर करते हुए देखो क्या कहा है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। ये बात किसने कही? स्वामी विवेकानंद जी। इसी प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने धर्म की और आध्यात्मिकता की अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। वो विद्वान कौन कौन से हैं? कंफ्यूनियस है, पाइथागोरस है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, ईसा मसीह है, गुरु नानक आदि विद्वानों ने अपने अपने अनुसार धर्म और आध्यात्मिकता की इन्होंने परिभाषाएं प्रस्तुत की है। जैसे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन है जो प्रथम उपराष्ट्रपति है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है कि आध्यात्मिकता को धर्म का केंद्र बिंदु माना है। क्या है? धर्म का केंद्र किसको माना है? धर्म का केंद्र किसको माना है? आध्यात्मिकता को। इसके संदर्भ में किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या बात कही है कि धर्म का सार, जो धर्म का जो सार निकल करके आता है वो इसी बात में है कि धर्म की आत्मा के विकास के लिए सदैव मनुष्य को आध्यात्मिकता की के ऊपर बल देना चाहिए, और धर्म को जो जीवन है हमारा उस जीवन को धर्म निरपेक्षता की ओर सदैव अग्रसित करते रहना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी है? जो हमारे सर्वपल्ली, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात कही है। अब बात आता है धर्म का अर्थ। यह हो गई इसकी पृष्ठभूमि, अब आएगा धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ क्या है? देखिए धर्म शब्द की बात, परिभाषा का हम बात करना चाहे धर्म की, तो अलग अलग देशों और अलग अलग संस्कृतियों में इसका धर्म का अलग अलग प्रयोग होता रहा है। धर्म का सर्वप्रथम उदय पूर्वी संस्कृतियों में हुआ था भाई। धर्म का सर्वप्रथम
धर्म का सर्वप्रथम आगाज या उदय। आगाज या उदय कहाँ हुआ था? पूर्वी संस्कृतियों में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? पूर्वी संस्कृतियों में हुआ। कहाँ पे हुआ था? पूर्व, जो पूर्व क्षेत्र पड़ता है, पूर्व दिशा की तरफ। धर्म का सर्वप्रथम उदय हुआ था पूर्वी संस्कृतियों में, इसका उदय हुआ पूर्वी संस्कृतियों पर ही। धर्म पर सर्वप्रथम जो पूर्वी संस्कृति थी, इनके ऊपर ही, इस पूर्वी संस्कृतियों के अंदर ही क्या है, धर्म पर सर्वप्रथम क्या हुआ था? चिंतन और मनन हुआ था। भारत में धर्म का अर्थ, भारत के अंदर देखो, भारत में धर्म का अर्थ, भारत में धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन, अहिंसा। कर्तव्य पालन है, अहिंसा है, न्याय कोमा सदाचरणी, न्याय सदाचरण तथा सद्गुणों को ही धर्म का पर्याय माना गया है। कि भारत के अंदर धर्म से क्या तात्पर्य है? कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? धर्म। मानव मात्र की सेवा करना ही क्या है? धर्म। अहिंसा का सहारा लेना, न्यायपरायणता का होना, अच्छा आचरण करना, इन सद्गुणों को ही क्या कहा जाता है? धर्म। किसमें? भारत के अनुसार, भारत की जो धर्म, भारत के अनुसार धर्म की जो परिभाषा है उसको हम कैसे कह सकते हैं? कर्तव्यों का पालन, अहिंसा का प्रयोग करना, न्याय की भावना रखना, अच्छे आचरण का और सद्गुणों का संचार ही क्या कहलाता है? धर्म। ये क्या है? भारतीय धर्म, भारत के अंदर धर्म का अर्थ माना गया है। अंग्रेजी में हम देखो, हम अंग्रेजी के अंदर हम धर्म का समानांतर शब्द रिलीजन लेते हैं। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर, अंग्रेजी में धर्म का समानांतर किसमें? अंग्रेजी के अंदर हम क्या कहते हैं धर्म को? रिलीजन। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द क्या है भाई? अंग्रेजी में क्या कहा जाता है धर्म को? रिलीजन। क्या कहा जाता है? रिलीजन, जिसका अर्थ है किसका? इस रिलीजन, रिलीजन का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ, रिलीजन का क्या अर्थ? जैसे अंग्रेजी में हम धर्म को क्या कहते हैं? रिलीजन। रिलीजन का अर्थ होता है धर्म। इसका अर्थ क्या निकल, रिलीजन का या धर्म का क्या अर्थ निकल कर क्या आता है अंग्रेजी के अंदर? जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास, मान्यता। क्या अर्थ है? जिसका अर्थ आस्था, विश्वास, मान्यता। आस्था होना किसी के प्रति, श्रद्धा होना, विश्वास होना, उसको मानना, ये है अंग्रेजी के अंदर जो रिलीजन है उसका अर्थ, जो धर्म है उसका अर्थ निकल कर के आता है आस्था, विश्वास और मान्यता। अंग्रेजी का यह शब्द रिलीजन धर्म के अर्थ को सही स्पष्ट नहीं करता है। लेकिन देखो, जो ये है ना, ये वाला जो रिलीजन है जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास, मान्यता, ये है, यह धर्म के अर्थ को सही स्पष्ट नहीं करता। सही स्पष्ट नहीं करता है कौन? रिलीजन है वो, ये धर्म के अर्थ को सही स्पष्ट नहीं करता है। धर्म के अर्थ को सही स्पष्ट नहीं करता है धर्म किसी पूजा पद्धति। देखो, धर्म हम ये नहीं कह सकते
कि हम पूजा कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, चोटी रख रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, टोपी धारण कर रखे हैं, ताबीज कंडा, ये इन चीज़ों का इनका नाम कोई धर्म नहीं है। कोई तिलक छाप कर ले, बड़ी चोटी रख ले, टोपी धारण कर ले, बड़ी दाढ़ी रख ले, इनको हम धर्म नहीं कहते। धर्म किसको कहा जाता है? जो भारतीय परिभाषा दी है कि कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, जीवन प्राणी मात्र के प्रति सेवा भाव रखिए, न्याय का भाव रखिए, अहिंसा को अपनाइए और सद्गुणों का संचार कीजिए समाज में और स्वयं में, इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का ये संकुचित, ये जो अर्थ है रिलीजन, ये संकुचित अर्थ है, ये धर्म को सही रूप से स्पष्ट नहीं करता है। नहीं धर्म हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने पूजा की है, रात दिन पूजा में लगा रहा है, कर्म कांड कर रहा है, उपासना कर रहा है, दाढ़ी बढ़ा ली है उसने, तिलक छाप कर रहा है, चोटी कर ली है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार से देखो गीता के अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप विवेक प्राप्त हुआ है। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और यही विवेक क्या करता है, ये बुद्धि जो विवेक है यही क्या करता है, श्री कृष्ण जी गीता के अंदर कहते हैं कि यही विवेक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जानने व सर्वश्रेष्ठ करने के लिए बनाता है, उद्धव करता है, उसको लालायित करता है। जो मनुष्य को अलग से बुद्धि, जानवरों के अलावा जो अलग से एक विशेष बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है, इसका नाम विवेक है, बुद्धि बोल दो चाहे विवेक, यही कुछ अच्छे करने के लिए क्या करता है, उसको लालायित करता है। ये कौन कहता है? श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति ने उपहार के रूप में विवेक प्रदान किया है, और यही विवेक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जानने सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उद्धव करता है, कहने का मतलब उसको तैयार करता है, यही मनुष्य का धर्म है। इसलिए श्रेष्ठ सामाजिक संरचना के लिए समाज के सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। इसलिए श्रेष्ठ, इस कारण से धर्म का अर्थ सही क्या निकल कर के आता है, सही जो बिल्कुल धर्म का अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ सामाजिक संरचना के लिए, श्रेष्ठ सामाजिक, श्रेष्ठ सामाजिक संरचना के लिए, श्रेष्ठ सामाजिक संरचना के लिए समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को, चाहे समाज के सभी वर्ग हैं, चाहे समाज के सभी व्यक्ति हैं, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही, अपने 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 कर्तव्यों का पालन करना ही, का पालन करना, का पालन करना ही धर्म है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है, और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक समाज का वर्ग स्वार्थ को छोड़े, संकीर्णता को छोड़े, घमंड का त्याग करे, वही क्या कहलाता है? धर्म। तो हम जितनी भी अभी जितनी चर्चा की है, सार रूप में हम निष्कर्ष तौर पे धर्म किसे कहते हैं? समाज को, एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए, और प्रत्येक समाज के वर्गों के लिए, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? धर्म है। संकीर्णता को त्यागें, स्वार्थ को त्यागें, और घमंड को त्यागें, यही क्या है? धर्म है। घमंड का त्याग करें, संकीर्णता का त्याग करें, स्वार्थ का त्याग करें, प्रत्येक समाज का वर्ग, प्रत्येक समाज का व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, मनुष्य मात्र के प्रति सेवा का भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव रखें, और अहिंसा का संचार करें, सदाचरण का अपने जीवन में उपयोग करें, इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म।
तो इस प्रकार से ये थी हमारे धर्म की परिभाषा। अब अपना अगला बिंदु है धर्म और धर्म निरपेक्षता। धर्म की अवधारणा के अंदर ही धर्म और धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, धर्म क्या है ये हमने चर्चा कर ली। मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है धर्म। सदाचरण को आचरण, अपने अच्छा आचरण को, सद्गुणों को अपने अंदर संचार करना ही धर्म है। प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव रखना ही धर्म है। मनुष्य मात्र के प्रति सेवा का भाव रखना ही धर्म है। दुर्गुणों का विनाश करना, दुर्गुणों को त्यागना ही धर्म है। ये है धर्म। अब आता है धर्म निरपेक्षता और धर्म किस प्रकार से एक दूसरे से हैं, या फिर धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। और धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।